लोगों ने क्या पाठ पढ़ा था? सूक्ष्म जीव, जीवाणु से होने वाले विभिन्न रोग। हमने ये जाना था कि कौन सी बीमारी किस जीवाणु के वजह से होती है। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। अगर हिंदी में इसका अर्थ हम लोग निकालें शब्द का, तो जन संख्या मतलब एक देश में या एक शहर में या एक गांव में या एक मोहल्ले में या किसी भी जगह पे, हम लोग किसी भी भौगोलिक स्थिति का एक पर्टिकुलर जगह और वहां पर रहने वाले व्यक्तियों की गिनती करें तो उसे हम जनसंख्या कहते हैं। अब हम जनसंख्या, जैसे गिनती की जो बात आई है, तो अगर मैं ये कहूँ कि हम अपने क्लास में से शुरू कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने क्लास में करते हैं कि जैसे हमारी क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे पूरे स्कूल में कितने हैं, ठीक है, फिर कहते हैं हमारे पूरी कॉलोनी में कितने हैं, है ना, उसके बाद पूरे शहर में। ऐसे ही भारत की जनसंख्या, क्या आपको किसी को मालूम है कि कितनी हो गई है? नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम कि अभी हमारे भारत की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा है। कितनी है? 1 अरब से ज्यादा। और 1 अरब किसके बराबर होता है? 100 करोड़। कितने? 100 करोड़ जनसंख्या हो गए हैं हम लोग भारतवासी। तो क्या इन 100 करोड़ लोगों के लिए, जो हमने विज्ञान में अभी तक पढ़ा था कि उचित भोजन, सफाई, रहने का घर, कपड़े, अच्छे विद्यालय, क्या ये सब संभव हो पा रहा है? क्या ये सब हम उनको दे पा रहे हैं? और हमारे जो भारत वर्ष में जो प्रति वर्ष जो उसकी वृद्धि की दर है, मतलब कि कितनी जनसंख्या हर साल बढ़ जाती है, किसी को मालूम है? हमारे देश में लगभग 2 करोड़, कितने? 2 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हमारी अभी की जनसंख्या 98 करोड़ है, जैसे अभी 2008 के अंदर, तो 2009 में बढ़ के 100 करोड़ हो जाएगी, मतलब हर वर्ष 2 करोड़ भारतीय उसमें और जुड़ जाते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम लोग इसके आधे भी नहीं थे, मतलब हम लोग 50 करोड़ भी नहीं थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, और अभी आजादी के 60 सालों में हम लोगों ने अपनी जनसंख्या डबल कर ली। अच्छा, डबल कर ली है, लेकिन जो सरकार, हम सब लोग मिलकर भी जो इससे जनसंख्या वृद्धि से जो हानियां हो रही हैं, जो कुप्रभाव पड़ रहे हैं, उनसे हम बच नहीं पा रहे। इसके कुप्रभाव से हमें क्या क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखिए सब लोग, जो हमारे देश की 2 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, उससे हम सबसे पहले जो सब आम जनता तक जो चीज हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं वो है भोजन। देखिए कितनी भुखमरी हम लोगों के गांवों में, शहरों में फैली हुई है। अगर हम लोग इसका सर्वेक्षण करते हैं तो पता चलता है कि एक घर में 10-10 व्यक्ति खाना खाने वाले हैं, लेकिन मुश्किल से 1 किलो आटा उनके घर में आता है। बताइए क्या हुआ, भोजन की कमी है ना, कि वो लोग भोजन को खरीद नहीं पा रहे। दूसरा, सफाई। हम लोग जहाँ पे बहुत घनी बस्तियां हैं, जिन गांवों में आप लोग रहते हो, वहाँ की उचित सफाई नहीं कर पा रहे हैं। जितनी सफाई होनी चाहिए और जितने बड़े घर हम लोगों को मिलने चाहिए रहने को, हम उतने बड़े घर भी आपको नहीं उपलब्ध करा पा रहे, ना वहाँ की सफाई हो पा रही। सफाई ना होने से क्या हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब सफाई नहीं। देखो, जनसंख्या बढ़ गई, भोजन की कमी हो गई,
सफाई नहीं हो पाई, सफाई नहीं हो पाई तो स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब क्यों हुआ? दो वजह हैं। एक तो हमारे घर के चारों तरफ अगर सफाई नहीं हुई तो सूक्ष्म जीव जो कल मैंने पढ़ाया था वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, पनपेंगे और वहाँ के रहने वाले लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे और उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, कुपोषण। अगर भोजन की कमी है तो भी तो स्वास्थ्य खराब होगा। अगर एक छोटे बच्चे को जिसके घर में मतलब जो शिशु जन्म दर है वो बहुत ज्यादा हो गई है हम लोग के यहाँ, कि हर साल हम लोग देखते हैं कि परिवार बढ़ता ही चला जा रहा है। जो पिछले साल चार जने थे, दो भाई बहन और आ गए, छह हो गए, फिर आठ हो गए, तो जैसे दूध जितना आना चाहिए उतना दूध घर में नहीं आ पाता है तो कुपोषण हो रहा है और उस कुपोषण से भी तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो स्वास्थ्य दो वजह से खराब हो रहा है, एक तो कुपोषण और दूसरा सफाई। कुपोषण हो रहा है क्योंकि परिवार बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी के पैसा कमाने के साधन कम होते जा रहे हैं, तो क्या होगा, भोजन कम खरीदेंगे तो कुपोषण की स्थिति आ जाएगी। और ये वजह है कि हम लोगों का जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन हम मौलिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, आप कुछ एक मिनट सब लोग ये ध्यान दीजिए कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वजह क्या है, उसके कारण क्या है, क्यों बढ़ रही है जनसंख्या। हाँ, अभी मैंने ये बताया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हम लोग इतने नहीं थे, तब हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन अब 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, 1 अरब से, 1 करोड़ नहीं। पहला एक एक कारण बताओ, जनसंख्या वृद्धि के कारण, हाँ, फिर उनके परिवारों में बच्चों की संख्या बढ़ जाए। इसने बिल्कुल सही पॉइंट निकाला है कि गांव में जो ज्यादातर लड़कियों की शादी 14 से 15 वर्ष में कर दी जाती है। जब 14 से 15 वर्ष में शादी हो जाती है तो वो 17 साल की होते होते माँ बन जाती है। तो इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि का एक कारण क्या हुआ, कम वृद्धि के कारण। कम उम्र में विवाह, कम उम्र में जब शादी होती है तो जनसंख्या बढ़ सकती है। हमारे देश का कानून क्या कहता है कि लड़कियों की शादी कितने वर्ष में होनी चाहिए, 18 वर्ष में, 18 वर्ष में लड़कियों की और लड़कों की 21। लेकिन गांव में क्या होता है, 15 साल की लड़की और 17 साल का लड़का या लड़का और भी बड़ा, तो ये बेमेल विवाह हो रहे हैं और बहुत जल्दी उम्र में। अभी लड़की पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, वो खुद एक बालिका है, खुद एक बच्ची है और उसकी शादी कर दी जाती है। और दूसरा कारण बताइए कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ऊंची जन्म दर। इसका क्या अर्थ हुआ, नहीं देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, अगर हम अपना पुराना इतिहास भारत का देखें तो 50 साल पहले, 60 साल पहले जब किसी घर में जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कई बच्चों की तो जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उस समय मेडिकल या चिकित्सा संभव नहीं थी, अस्पताल ज्यादा नहीं होते थे और न ही विज्ञान ने इतनी उन्नति करी थी। लेकिन अब क्या होता है, जो गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल की जाती है, जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उनकी उचित देखभाल की जाती है, जिससे कि शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। समझ रहे हैं कि पहले के जमाने में बहुत ज्यादा मृत्यु दर हुआ करती थी, कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी गांव में अगर कोई बीमारी फैल गई तो पूरा का पूरा गांव उसमें प्रभावित हो जाता था या जनसंख्या काफी कम हो जाती थी। ठीक है, और तीसरा कारण बताइए कि क्यों हमारी हो रही है नवीन चिकित्सा मतलब पहले आप लोगों ने चेचक
चेचक की बीमारी बहुत सुनी थी, बहुत सुनी थी ना, कि पहले बहुत 50 साल पहले की बात है कि चेचक में भी लोग मर जाते थे, टीबी से लोग मर जाते थे और बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते थे। नहीं, चेचक तो स्किन की बीमारी है जिसमें दाने निकलते हैं, जिसको आप लोग घर में माता के नाम से जानते हो, कहते हो ना बड़ी माता, छोटी माता, ये सब चेचक वो होता है जिसमें पूरे शरीर में दाने निकलते हैं और ये जानलेवा बीमारी है। इससे जान भी चली जाती है और ये एक संक्रामक रोग है। अगर गांव में किसी व्यक्ति को हो जाता था तो पूरा पूरा गांव उस बीमारी से ग्रस्त हो जाता था, क्योंकि पहले उन लोगों को चिकित्सा के बारे में इतनी जानकारी नहीं। नवीन चिकित्सा पद्धति ने हमारी उम्र बढ़ा दी, मतलब जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ने लगी और मृत्यु दर कम होने लगी। और एक कारण बताइए क्यों हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बेहतर कृषि। हाँ, अब पहले खेती बाड़ी कैसे होती थी, हल चलता था ना बैल से, और अब ट्रैक्टर से। अभी की जो आप सब्जियों का देखते हो, इतनी सारी अनाज उग रहा है, पहले हमारा जो भारतवर्ष था इतना ज्यादा अनाज नहीं उगा पाता था, लेकिन अब हम लोग अनाज में मतलब अपने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हर परिवार में पेट भरने जितना अनाज मिल जाता है। बेहतर कृषि। क्या अभी हम लोगों ने चार कारण इसके जान लिए जनसंख्या वृद्धि के, क्या हम लोग अपनी जनसंख्या की वृद्धि इसी तरह से करते रहेंगे? क्या भारतवर्ष इसी तरह से जनसंख्या बढ़ाता ही जाएगा? उसके लिए कुछ उपाय किए हैं कि नहीं? उसके लिए कुछ हमने उपाय किए हैं कि हम अपनी जनसंख्या को कम करें? आप लोगों के लिए कभी कोई उपाय नहीं देखा या सुना या टीवी में या रेडियो में कि अपनी पॉपुलेशन को कम करो, अपने परिवारों को सीमित रखो? कभी नहीं सुना कुछ कि इस जनसंख्या वृद्धि के कारण तो हमने पढ़ लिए, अब हम जनसंख्या वृद्धि को रोके कैसे? छोटा परिवार सुखी परिवार। अब हम लोगों ने एक नारा निकाला है पूरे भारतवर्ष में कि जिस परिवार में कम बच्चे होते हैं वो परिवार ज्यादा सुखी होता है। क्यों ज्यादा सुखी होता है? एक मिनट, जब परिवार कम होगा तो वो ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। परिवार बड़ा होगा तो कम सुविधाएं मिलेंगी, वो उनको ठीक से उसकी पालन पोषण नहीं करता। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिवार कल्याण, समझ रहे हो? फैमिली प्लानिंग, परिवार की योजना बनाएं और परिवार कल्याण के लिए हर पति पत्नी, हर वो लड़का लड़की जो विवाह करते हैं, उनको पहले से ही सोच लेना है कि उनके घर में बच्चों की संख्या कितनी होगी। इसको कहा जाता है परिवार कल्याण या फैमिली प्लानिंग। पहले के उसमें क्या होता था, आप लोग के जो दादा दादी हैं या दादा दादी के भी जो बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं? उषा, आप लोगों ने पहले की तो बहुत कहानियां सुनी थी, आप ही के जो माता पिता हैं वो छह छह सात सात भाई बहन होंगे, है ना? या दादा दादी तो बताते होंगे हम लोग 12 थे, है ना, हम लोग 12 भाई बहन थे। और अब अगर हम लोग आज के युग में ये कहूँ कि इस परिवार में 12 हैं तो आप लोग कहते हो अरे इतने ज्यादा, लेकिन पहले वो लोग ऐसा नहीं सोचते थे। लेकिन अब हमने इस सोच में बदलाव किया है कि नहीं किया है? अभी हम लोग दो जने क्लास में होते हैं या दो बच्चे कितने लड़ते हैं, है ना? तो अगर 10-12 परिवार में एक ही परिवार में बच्चे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की घर की स्थिति कैसी होती होगी। बस केवल लड़ेंगे, और खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए मारामारी होगी। और पहले बात तो वो माँ बाप इतने सारे बच्चों को विद्यालय ही नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? इतनी फीस नहीं देंगे भाई, बच्चे ज्यादा होंगे ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो आज मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ कि परिवार कल्याण, परिवार कल्याण का परिवार क्या होता है?
परिवार के कैसे बनता है? माता पिता बच्चे या दादा दादी, मतलब जो भी परिवार इसी से बनता है। कल्याण मतलब उसका भला, कि परिवार कल्याण की हम लोग क्या योजनाएं बना रहे हैं। सबसे पहली योजना परिवार कल्याण की ये है, सीमित परिवार। क्या है सीमित परिवार का अर्थ होता है छोटा परिवार, सुखी परिवार। छोटा परिवार, सीमित परिवार में हम लोगों ने ये किया है कि संचार के माध्यम, क्या होते हैं? टीवी, रेडियो, अखबार, जिससे कि हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों ने जगह जगह रेडियो में ये सुना है, छोटा परिवार सुखी परिवार, और परिवार नियोजन के तरीकों का वो लोग एडवर्टाइज, मतलब उसकी संदेश जगह जगह पहुंचाते रहते हैं। हम लोग छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी पिक्चरें बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, जिसमें दो परिवारों का आपस में हम लोग तुलना बताते हैं कि जो छोटा परिवार है कितना सुखी है और जो बड़ा परिवार है उसको कितने कष्ट हैं। और हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, जिनके विवाह होने वाले हैं या जो विवाह अभी कर चुके हैं, कि अपने परिवार को बड़ा ना करें और उचित साधन अपनाकर अपने परिवार को सीमित रखें। इसमें हर सरकारी अस्पताल में उन लोगों को सहायता की जाती है कि किस तरह से अपने परिवार को छोटा रखा जाए और बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे घर में ना हो। समझ रहे हैं आप लोग कि इसका सरकार ने बहुत तरह से कोशिश करी है और कुछ हद तक हम लोगों ने इसमें सफलता भी प्राप्त कर ली है। और केवल परिवार कल्याण के अंदर सीमित परिवार ही नहीं आता है। अब जैसे एक परिवार है, उसमें दो बच्चे हैं, तो उन दो बच्चों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहना चाहिए कि नहीं, कि जो दो बच्चे हैं वो तंदुरुस्त रहे, खूब हृष्ट पुष्ट हो और हमारे देश के लिए कुछ कर सकें। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया है। परिवार कल्याण का अर्थ केवल सीमित परिवार ही नहीं है। सीमित परिवार हो गया भाई, मम्मी पापा दो बच्चे हो गए, अब उन दो बच्चों की उचित देखभाल कैसे करें, तो हम उन बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाएं? क्या कोई बता सकता है कि हमारे सरकार क्या कर रही है? टीकाकरण, ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, टीकाकरण का अभी सबसे सफलतम अभियान जो चल रहा है, सफलतम क्या, जो बहुत लंबे दिनों से चल रहा है, उसका नाम बताओ। पोलियो। हाँ, पूरा अभी खाली पोलियो नहीं, पल्स पोलियो दो बूंद जिंदगी। अच्छा, अब इसको कौन समझाएगा? पल्स पोलियो दो बूंद जिंदगी की, ये क्या होता है? हाँ, दो बूंद पिलाए जाते हैं। किस चीज के दो बूंद? पोलियो ड्रॉप। पोलियो ड्रॉप होता है बूंद, पोलियो क्या होता है? दो बूंद। एक मिनट, वो क्या होता है पोलियो ड्रॉप? दो बूंद से क्या मतलब, उसका असर क्या होता है? एक मिनट, हाँ बताओ। एक बच्चा, तुम बताओ। उसको कोई बीमारी ना हो। कोई बीमारी नहीं, कौन सी बीमारी? पोलियो, जिसमें हाथ और पांव ढीले पड़ जाते हैं, दोनों काम पतले हो जाते हैं, तुम्हें शक्ति नहीं रहती है। जैसे हम लोग ऐसे खड़े लूले लंगड़े कहते हैं ना हम लोग, जो रोज की भाषा में हम लोग लूला लंगड़ा नहीं कहते हैं जिसको, कि इसके हाथ बिल्कुल काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, हड्डी मुड़ जाती है या एक पांव छोटा रह जाता है। तो उसको, उस बीमारी से बचने के लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि विश्व के किसी भी देश में पोलियो के इतने रोगी नहीं हैं जितने हमारे देश में। तो हम लोग चाह रहे हैं, जिस तरह से कि चेचक हमारे देश से चली गई, मतलब अब चेचक की बीमारी हमारे देश में नहीं होती। 1973 के बाद से हम लोगों ने इसके ऊपर कंट्रोल
कर लिया कि हमने वो जो बचपन में पैदा होते टीके नहीं लगवा दिए जाते हैं, तो वो टीके लगते थे तो अब वो बीमारी नहीं होती। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा भविष्य है, भविष्य में भारत में जो बच्चे होंगे उसमें कोई भी पोलियोग्रस्त ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोई समझाएगा? रोज सुनते हो टीवी में, रोज रेडियो में सुनते हो, अमिताभ बच्चन बताता है ना, हाँ, कि एक वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चे को जब पोलियो की दो बूंद की जो दवाई है वो जरूर पिलानी चाहिए। अच्छा, इसमें वो घर घर आकर भी पिलाते हैं और संडे को जब एक पल्स पोलियो डे रखते हैं। अच्छा, संडे को ही क्यों रखते हैं? क्योंकि सारे स्कूलों की सारे दफ्तर बंद, तो माँ बाप उस दिन फ्री होते हैं तो अस्पताल जाकर, और इसका कोई पैसा नहीं। कहीं पर भी आप किसी भी कैंप में जाकर 1 से 5 वर्ष के बच्चे को ये दवाई पिला सकते हैं। और ये पल्स पोलियो अभियान हमारा काफी सफल हुआ है। हमारे यहाँ पर काफी संख्या में अब आप देख रहे होंगे कि पोलियो के मरीज हमें कम दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से आज मैं आपको परिवार कल्याण के अंतर्गत एक पूरा चार्ट बताऊंगी, टीकाकरण। क्या बताऊंगी? कि कब कब कौन सा टीका लगवाना चाहिए। टीकाकरण सबसे आसान तरीका है अपने बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने का। इस परिवार कल्याण के अंतर्गत ही एक टॉपिक है टीकाकरण। टीका का क्या अर्थ होता है आप लोग? दम सही, टीका होता है इंजेक्शन, पता है? इंजेक्शन को लगाना, लेकिन इंजेक्शन ऐसे ही नहीं लगाना। हाँ हाँ, देखिए टीकाकरण सबसे आसान तरीका है। जब भी किसी भी अस्पताल में जहाँ जच्चा बच्चा केंद्र है, नर्सिंग होम्स हैं, जहाँ बच्चे मतलब डिलीवरी माँ बच्चे को जन्म देती है, वहाँ पर एक काउंटर होता है टीकाकरण का, और उसमें आप सबसे पहला जो टीका लिखा है में टिटनेस, काली खांसी व डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कौन चित्र बना के लाया है? गलगोटू बताया था ना। टेटनेस क्या होता है, कोई टेटनेस बीमारी के बारे में बताएगा? टेटनेस की बीमारी किसी को नहीं मालूम? देखो, जब हमें लोहे का कोई भी चोट, जैसे लोहे की कील लग जाए, या हम लोग घाव, एक्चुअली लोहा तो कहते ही हैं, अगर हमें कोई घाव हो जाता है या हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम गिर जाएं, तब जब हम लोग गिर जाते हैं तो हमारे क्या होता है, शरीर का जख्म खुल जाता है, मतलब स्किन खुल जाती है, तो उसमें सेप्टिक हो सकता है, वो भयानक बीमारी का रूप ले सकता है, उसको हम कहते हैं टेटनेस। अगर आपको टेटनेस से बचना है, काली खांसी से बचना है और डिप्थीरिया से बचना है। ये देखो, काली खांसी के लक्षण है, उसमें डिप्थीरिया के थे, और टेटनेस जब भी हमें कोई घाव हो जाता है, ये काली खांसी है, ये देखो, समझ गए? और डिप्थीरिया, जब इन तीन बीमारियों से हमें बचना हो तब हमें क्या करना चाहिए? आयु देखिए कब टीका लगवाना चाहिए, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह से लेकर 14 सप्ताह। मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसके 1.5 महीना, 6 सप्ताह क्या हुआ, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, और 14 सप्ताह, 3 महीने, 3.5 महीने। देखो 1.5, 2.5, 3.5, इन में हम लोग टीका लगवाते हैं, और 2 वर्ष तक हम लोग इसको लगवा सकते हैं, और यह 2 बार लगता है, और ये इसको हम लोग, ये 3 बीमारियां है ना, टेटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, DPT। क्या कहते हैं? DPT, इसको त्रिविध भी कहते हैं, 3 है। अच्छा आप बताइए कब लगता है ये, 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5। तो सबसे पहला कौन सा टीका हुआ? 1 महीना। सबसे पहला, देखो 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में लग जाए, तब 2 वर्ष में
सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, तब दो वर्ष में हम एक बूस्टर डोज लगवाते हैं। बूस्टर डोज का मतलब होता है कि ये बीमारी कहीं उसमें रह ना गई हो, मतलब उसको फिर से ना हो जाए, तो उसके लिए फिर से वो टीका लगाया जाता है। इसके बाद जो टीका लगता है उसको कहते हैं टीबी या तपेदिक। ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है एक सप्ताह में ही उसको लगा दिया जाता है, मतलब हॉस्पिटल से घर आने से पहले ही बच्चे को टीका लगा देते हैं। और इस टीके का नाम है, पढ़ो, बीसीजी का टीका कहते हैं। और ये एक सप्ताह, जब बच्चा कितना हो, एक सप्ताह, केवल एक सप्ताह का जब बच्चा होता है तभी हम इसको लगवा देते हैं। और ये वाला होता है चार सप्ताह, छह सप्ताह, दस सप्ताह और 14 सप्ताह। टीबी कौन सी बीमारी, कल मैं बता चुकी हूँ पूरा, तपेदिक। टीबी के बाद पोलियो, पोलियो का सबने अभी बताया था कि दो बूंद जिंदगी की एक वर्ष से लेके, मतलब बचपन पैदा होने से लेके चार सप्ताह से लेकर 14 सप्ताह तक इसको भी लगवाना चाहिए। और जब जब पल्स पोलियो अभियान हमारे शहर में चल रहा हो तब भी उसको लगवाना चाहिए। और इसकी क्या पिलाई जाती है, टीके का नाम क्या है, पोलियो ड्रॉप्स। इसकी कोई इंजेक्शन नहीं होती है, इसके केवल ड्रॉप्स होते हैं। एक और बीमारी है, खतरनाक बीमारी, खसरा। ये अक्सर हर बच्चे को हो जाता है, इसको कहते हैं मीजल्स। इसको लगवाते हैं हम 9 माह में। कब लगवाते हैं, और इसका नाम है खसरे का टीका। जो इसकी बीमारी है उस वही उसका नाम है। अब एक और बीमारी जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसका जो दो नई बीमारियां आई हैं जिनका टीका हम लोगों ने अभी शुरू किया है, एक है रतौंधी अंधापन, कि हमारे बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं होती, या आंखों की बनावट में या आंखों की संरचना में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने 9 माह से 3 वर्ष तक विटामिन ए की 5 खुराक, जैसे ड्रॉप्स पिलाते हैं ऐसे वो लोग विटामिन ए खिलाते हैं, 5 खुराक अगर हम उस बच्चे को खिलाएंगे प्रथम सप्ताह पर जैसे बाद में, तो उसको आंखों की रोशनी उसकी ठीक रहती है और काफी हद तक हम लोग अंधेपन से बच सकते हैं। आजकल ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आंखों की तकलीफ बहुत ज्यादा होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने चश्मा लगाकर देखा है, और केवल भारत वर्ष में ही कितने करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको दिखाई नहीं देता। उसके लिए हम लोगों ने नेत्र दान, कि मृत्यु के बाद अपनी आंखें किसी को दान देने का भी अभियान किया है। और अभी टीके में हम लोगों ने अंधापन, एक बीमारी है जो बहुत बड़ा रूप लेती जा रही है हमारे देश में, कई देखना आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चों को भी आंखों की बीमारी हो गई है, तो इसको हम लगाते हैं 9 माह से लेकर 3 वर्ष। और जो इसमें दवा दी जाती है वो होता है विटामिन ए। मैंने जब विटामिन पढ़ाए थे तब बताया था मैंने कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग हो जाता है, और विटामिन ए में हमें क्या खाना चाहिए, और गाजर, पपीता, बादाम, और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार हरी सब्जी में विटामिन ए होता है। तो हम लोग विटामिन ए, अभी आप लोग 5 वर्ष के तो नहीं हो, अब आप तो बड़े हो गए हो, लेकिन आपको भी तो आंखों की अपनी देखभाल करनी है कि नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन ए मिलता हो, और वो है पालक, गाजर, पपीता और बादाम। अच्छा, एक और टीके का नाम रह गया जो नया शुरू हुआ है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो टीका है वो आप आजकल एक बीमारी सुन रहे हैं, जॉन्डिस,
पी लिया जिसमें लिवर की खराबी हो जाती है, उसके लिए भी आजकल स्कूलों तक में भी आते हैं जिसमें हेपेटाइटिस के हम लोग बूस्टर डोज भी होता है और रेगुलर डोज भी होता है, उसका अगर हम लोग टीका लगवा दें तो हम लोग जॉन्डिस से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस में हम लोगों को कि कौन सी बीमारी से बचाव होता है, पीलिया। इसमें भी टीकाकरण ही किया जाता है, इंजेक्शन होती है। समझ गए टीकाकरण? अब आप लोगों का आज होमवर्क ये है कि ये वाला चार्ट जो मैंने बनाया है टीकाकरण का, या आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मुफ्त में ये कागज ऐसा मिलता है। आप लोग किसी भी जिसके घर में बहुत छोटे भाई बहन हैं या जिनकी मम्मी उनको ले जाती हैं, तो उन डॉक्टर से एक पर्चा ऐसा लेकर आओगे और उसमें देखोगे कि जो हमने इसके किताब में पढ़ा है क्या वो उसमें भी है लिखा हुआ, या और कोई तो टीके नहीं आ गए नए, अगर आ गए हैं तो उनकी भी जानकारी हम लोग ले लें। सब लोग में से इतने सारे बच्चों में से कम 3-4 मुझे चाहिए। आप लोग लाओगे और रास्ते में कोई भी हॉस्पिटल है वो लोग भी दे देते हैं, बोलो हमें टीकाकरण का कागज चाहिए कि कब कब टीका लगता है, वो तुरंत आपको एक कागज दे देंगे। कोई ना कोई तो जाएगा ही ना, हॉस्पिटल जाते ही हैं, तो लेकर आओगे और हम लोग फिर देखेंगे कि यही टीके होते हैं कि नहीं, और इन टीकों को लगाकर हम लोग भविष्य के लिए, केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए उस बीमारी से बच सकते हैं। समझ रहे हैं? एक मिनट गायत्री, जो मैंने टीकाकरण बताया उसमें ये मतलब नहीं होता कि आज आपने दवाई खाई, आज टीका लगवाया तो मतलब आपको ये बीमारी, मतलब फिर बार बार टीका लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपने बचपन में ये पूरे कंप्लीट किया है चार्ट, तो आप हमेशा के लिए उस बीमारी से बच्चे को बचा सकते। तो ये परिवार कल्याण की बात है कि नहीं है? और सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है कि हर बच्चे को टीका अवश्य लगाए, क्योंकि जितनी भी हमारी जनसंख्या है जो हो चुकी है 1 अरब, कम से कम वो स्वस्थ रहे और हमारे देश के लिए कुछ करे। ठीक है, थैंक यू।